दोस्तों एंड माताओं बहनों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ कि ठंड लगने पे तुरंत क्या करें उपचार या ठंड से कैसे बचे। तो आज मैं बता देना चाहूँ ट्रीटमेंट फॉर हाइपोथीमिया, ठंड में क्या करना चाहिए, अगर ठंड लग जाए तो कैसे बचे, ठंड में हमें ठंड ज़्यादा लगती है तो क्या करें। ठंड ज़्यादा लगने का मुख्य कारण ये है कि अगर आपका फीवर है या सर्दी खांसी है तो उसमें आपको ज़्यादा ठंड लगेगा। तो इससे घबराना नहीं है, मैं बिल्कुल सिंपल तरीका लेके आया हूँ जिससे आपको तुरंत ही बचने का तुरंत उपाय मैं बता दे रहा हूँ। मुझे याद है वो दिन जब मेरे बड़े पापा की मृत्यु हो गई थी और मैं 8 बजे जब जलाने को गया था तो उधर से लौटते समय 11 बज गया था। 11 बजते तो हमारे हिंदू समाज में ये परंपरा होती है कि जो भी घर पे वापस आता है तो उसे बाहर घर के बाहर ही नहाना पड़ता है। तो उस स्थिति में मैं भी बाहर नहाया और ठंड काफ़ी कड़कड़ाती ठंड थी, तो उस स्थिति में मैं भी काफ़ी नहाया था और नहाने के बाद अंदर गया, अच्छे से कपड़े से पोंछ लिए, बाल भी पोंछ लिए, लेकिन बिछावन में जैसे ही जाते आधा घंटा के बाद इतना ज़्यादा ठंड लगने लगा, इतना ज़्यादा ठंड लगने कि अब मैं क्या करूं, लोग घबराने लगे। तब फिर मैंने उपाय किया और वही उपाय मैं आपको बताता हूं जो मैंने किया। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बहुत ज़्यादा आपको ठंड लग जाए तो तुरंत बचने का उपाय, तो ये जो छोटी सी आप पुड़िया देख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं, ये छोटी सी पुड़िया आपको बाज़ार में बिल्कुल आसानी से मिल जाएगा, हर आदमी इसके बारे में जानता है। तो ये देखिए इतना ही क्वांटिटी में आपको लेना है, ये 2 रुपये की पाउच में आती है, इतना ही क्वांटिटी में आपको लेना है। ठंड से बचने का बिल्कुल रामबाण ये उपाय है, आप इसको आजमा के देख लीजिए, इससे कोई नुकसान नहीं होता है। ये वृद्ध महिलाएं भी जानती हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, ये फ़ायदा ही करेगा, नुकसान बिल्कुल नहीं करेगा। तो ये कौन सा चीज़ है, तो चलिए मैं वीडियो के लास्ट में आपको बता दूंगा कि ये कौन सा चीज़ है, और वीडियो पे बने रहिए। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, पास में जो छोटी सी घंटी है उसको ऑल पे ज़रूर से ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन जाए। तो ये पहला उपाय है, मैं इसके नाम ज़रूर से ज़रूर बताऊँगा, वीडियो को स्किप करके ना देखें। दूसरा जो चीज़ है वो है सरसों का तेल। सरसों का तेल आप जानते हैं बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, तो ये सरसों का तेल है, इसमें थोड़े सा हम लोग को क्या करना है, थोड़े से जवाइन करके इसको ऐसे हाथों पे मल लेना है, और कहीं भी आग जल रहा हो, घर में आग जला ले या कहीं भी किसी भी प्रकार से, तो इसको ऐसे हल्का सा सेक लेने, ज़्यादा नहीं सेकना है, बिल्कुल हल्का सा ही सेकना है ताकि ये थोड़ा सा गर्म हो जाए। गर्म होने के बाद आपको क्या करना है, अपने ये दोनों हाथ में ऐसे रगड़ लेना है। दोनों हाथ में रगड़ने के बाद जो आपके ये कान हैं, जो आपके ये ऐसे दोनों हाथ से ऐसे रगड़ लेना है, और ये हल्का सा गर्म होना चाहिए। हल्का सा गर्म होने के बाद ये और ये कान को अच्छी तरह से ऐसे ऐसे रगड़ लेना है, इस तरह का अच्छी तरह से ऐसे रगड़ लेना है। ये पहला उपाय हो गया, इससे बिल्कुल गर्म हो जाएगा, और थोड़े से बचे हुए अंदर की ओर ऐसे प्रेस कर ले, और इसको 2 से 3, 4 या 5 बार आपको ऐसे रगड़ लेना है। मैं वही उपाय बता दे रहा हूँ जो मैंने किया और मैं ठंड से बचा, मुझे डॉक्टर के खर्च से बच गया। दूसरा उपाय किया मैंने, थोड़े सा फिर सरसों का तेल लिया, इतना ही सरसों का तेल लिया, फिर इसको किया, फिर आग में गर्म किया। अब क्या किया मैंने, क्योंकि ठंड 2 जगह से ज़्यादा लगती है, एक तो कान में से और दूसरा पाँव में से। जब भी आपके ठंड लगेगी, अगर पाँव में ठंड लगेगा तो रात भर आपको नींद नहीं लगेगा,
इस बात का सदा ध्यान है। रात में आपको नींद नहीं लगा तो इसको आपको क्या करना है, इसको ऐसे ऐसे पूरा मालिश कर देना है, कम से कम 10 बार हल्का हल्का लौ से सेक करके ऐसे ऐसे मालिश कर देना है। ये जैसे ही गर्म हो जाएगा आपको ठंड तुरंत दूर हो जाएगा। यही उपाय मैंने किया, दोनों पाँव में आपको करना है। तीसरा, अब मैं चलता हूँ और अच्छी तरह से ढक ले, और ये जो मैंने बताया ये है हींग। हींग वही हींग जो खाने में हम लोग यूज करते हैं सब्जी वगैरह में, आप थोड़ा सा यूज करते हैं, क्वांटिटी इतना ही होना चाहिए, इसको हम लोग हींग बोलते हैं। चैनल पे अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा ठंड हो रही, ठंड के मारे कपकपी ज़्यादा हो रही, तो ठंड से ये बिल्कुल आसान तरीका है। और ये बताइए, इससे कोई साइड इफ़ेक्ट होगा? हींग खाने से कोई साइड इफेक्ट नहीं। इसको खाने का तरीका ये है, जब भी उतना ही क्वांटिटी पे आप को लेना है, थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा लेना है। लेने के बाद आप खा लेना है, खा कर थोड़ा सा घोट जाना है। घोटने के बाद थोड़ा सा 5 मिनट के बाद थोड़ा सा 1 कुल्ला पानी लेकर घोट जाना है। घोटने के बाद आपको 1 से 2 घंटा कुछ भी नहीं खाना है। ये बहुत ज़्यादा गर्मी उत्पन्न कराएगा, गर्मी ज़्यादा उत्पन्न कराएगा, तो घबराना नहीं है, आपका स्थिति बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी, आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। यदि डॉक्टर से सलाह लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, लेकिन कोई जाने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ठंड बिल्कुल दूर हो जाएगा। ये बिल्कुल कारगर नुस्खा है, आप इसको ज़रूर आजमाइएगा, आजमाकर हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको इससे क्या बेनिफिट हुआ। और उन माताओं को शेयर कर दीजिए जो ठंड के मारे आज कपकपाती रहती है, तो इसको करेंगे तो इससे 2 लाभ होगा। एक तो आपका ठंड भी जाएगा, दूसरा जो आपके जो पेट में जो कचरे हैं वो भी निकल के बाहर आ जाएगा, है ना, बहुत कारगर की चीज़। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, हम लोग जानते हैं लेकिन ये नहीं जानते कि इसके क्या क्या यूज है, तो वही यूज मैं बता दे रहा हूँ। मैं कोई अलग से कोई बात नहीं बता दे रहा हूँ, जो जेन्युइन चीज़ है वही मैं बता दे रहा हूँ। तो ये हींग का पाउडर है, मैंने लिया 2 रुपये का पाउच, आपको आसानी से मिलेगा, हर जगह उपलब्ध होती है, हर जगह किसी भी देश में। मान लें मेरे बिहार में इसके हींग से नाम किसे जाना जाता है, तो और देश में क्या नाम से जाए। इसको कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि दूसरे लोग को ज़्यादा फायदा हो और फिर डॉक्टर के पास चक्कर काटने ना पहुंच पाए। तो ये बिल्कुल कारगर उपाय है, मैंने खुद से आजमाया है और मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो ये ज़रूर से ज़रूर आप आजमाएं, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और हमारे यूट्यूब चैनल ऑल इन वन चैनल 36 को ऑल इन वन चैनल 36 फिर देखें। और यदि आपके मन में कोई भी ऐसे सवाल है जो उत्पन्न हो रहे हैं, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर से ज़रूर दे दूंगा। हमेशा की तरह मैं रिप्लाई देने का कोशिश करूँगा।